Hey my friends, welcome back to my channel. Today recipe is Diwali special recipe. और हम बहुत इजी तरीके से सेव बनाएंगे. जी हाँ, बिल्कुल बहुत इजी तरीके से. तो मैंने बेसन लिया एक कटोरी. अब आपके क्वांटिटी के हिसाब से लीजिए कि आपको कितना बनाना है. तो मैंने एक ही कटोरी ली है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे हम. इसमें हल्दी ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार. और इनको हमको बिल्कुल अच्छा घोल बनाना है ताकि हमारी जो सेव है बहुत अच्छे से बनकर आए. और अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लंप ना रह सके और बिल्कुल परफेक्ट जिस तरह से बाज़ार से हम लेकर आते हैं उस तरह से ये सेव बन के रेडी हो. तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके चम्मच के से बिल्कुल परफेक्ट इसको अच्छे से मिक्स करना है. देखिए बिल्कुल इस तरह से. अभी भी इसमें लम्ब्स हैं तो इसे हम चम्मच के हेल्प से और अच्छे से मिक्स करेंगे. तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ ताकि हमारी फैमिली और ग्रो हो जाए. और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर आपको अच्छे लगते हैं तो. और ट्राई ज़रूर कीजिए. मैं बहुत ईजी वे में आपको सिखाती हूँ कि कोई भी रेसिपी हो किस तरह से बनानी है कम टाइम में और बहुत ईजी तरीके से, तो कोई भी इसे बना सकता है. तो चलिए ये बिल्कुल अच्छे से बन चुके हैं. हम इसे और मिक्स करेंगे. और हम जो सेव है ये बिना किसी मशीन के बनाएंगे, जस्ट पाइपिंग बैग की हेल्प से. और मैं आपको ट्रिक बताऊंगी किस तरह से हम इसमें से सेव निकालेंगे. तो चलिए हम पाइपिंग बैग में जो हमारा सेव का जो बैटर है इसे ऐड करेंगे. तो बिल्कुल अच्छे से ऐड कीजिए. अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो फर्स्ट सेकंड इस तरह से अटेम्प्ट कीजिए. तो मैंने एक ही कटोरी बनाई थी तो एक ही टाइम में ये पूरा कवर हो जाएगा. मैंने साइड बाई साइड ऑयल भी गर्म के लिए रखा है. तो हम फर्स्ट ऑयल को जब गर्म के रखेंगे तो फुल रखेंगे गैस हमारा ताकि तेल ऑयल अच्छे से गर्म हो सके. और जब हम सेब को उसमें डालेंगे हम फ्राई करने के लिए तो हमें जो फ्लेम में हमारा लो करना है क्योंकि ये बहुत पतली पतली निकालेंगे हम सेब तो ये जल सकती है. तो चलिए इसको मैंने पाइपिंग बैग में अच्छे से बैटर ऐड किया है. अब इसे हम डैप करेंगे ताकि इसमें कोई एयर ना रह सके और हमारी सेब परफेक्ट अच्छे से निकल जाए. तो ये पाइपिंग बैग में मैंने अच्छे से फिल किया है, इसे थोड़ा सा टाइट किया है. अब हम इसमें जो टूथपिक होता है तो टूथपिक की हेल्प से हम इसे होल्ड करेंगे. आपको जितने चाहिए उतने कर सकते हो. तो मैंने 4-5 कुछ टूथपिक इसमें फिक्स किए हैं तो बिल्कुल आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा ये घर पर, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, कोई शॉप पर भी आपको ये इजीली मिल जाएगा. तो देखिए बिल्कुल इस तरह से आपको फिक्स करना है और हम वन बाय वन करके इसे बिल्कुल अच्छे से निकाल लेंगे. बहुत अच्छी ट्रिक्स है ना ये. विदाउट मशीन का आप से बना सकते हो घर पर ही बहुत इजीली बिल्कुल घर के चीज़ों से. तो आपको कैसे लगी मेरी ट्रिक मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए. अगर यूज़फुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली एंड सोशल मीडिया पर. तो देखिए कितने परफेक्ट अच्छे से सेव निकल रही है. और हमें इसे बस क्या करना है, घुमाना है हाथ से, बस राउंड राउंड करना है यहाँ से वहाँ और बहुत परफेक्ट बहुत बारीक और बहुत अच्छे से सेव बन के रेडी हो जाएंगी. तो देखिए ये बहुत जल्दी हो, आधे से ज़्यादा तो हो भी चुकी है, कुक हो चुकी है. इसलिए हमें जो फ्लेम है हमारी लो करनी ताकि ये जल ना जाए. तो बिल्कुल आपको इसी तरह से अच्छे से सब तरफ इसे फिल करना है जहाँ भी आपको लग रहा है कि जगह बच चुकी है या फिर कुक हो चुका है. तो बस इसे हम टर्न करके निकाल लेंगे बाहर. तो देखिए ये दोनों साइड से अच्छे से कुक हो चुकी है और काफ़ी क्रंची भी हो चुकी है, मतलब हार्ड लग रही है अभी. तो जब ये थोड़े से टाइम जब हम ऑयल के बाहर निकालेंगे तो ये अपने आप क्रंची हो जाएगी. कितनी क्रंची हुई है हमारी, कितनी ज़्यादा क्रंची हो चुकी, कितना अच्छा से इसमें आवाज़ आ रहा है. बिल्कुल परफेक्ट होटल रेसिपी बनी जैसे हम बाहर से रेडीमेड लेकर आते हो. तो गाइज अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक फॉर वॉचिंग.